चलो, जय श्री राम। मैं पत्रकार इंद्रेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। आज हम हैं ये उदराना गांव में और यहां पे हमारे शेर डोडा स्वर्गीय दयाकिशन कोतवाल जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम यहां पे बहुत ही श्रद्धापूर्वक किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। और मैं फिर एक बार अपने चैनल और अपनी तरफ से इनको शत शत नमन करता हूँ। कौन करता हूँ जी। और यहाँ पर आए हुए सारे साथी, मैं अभी पूछ रहा था कि चिलैनी से भी यहाँ पर एक मूर्ति आई हुई है और डोडा से हमारे पुराने साथी यहाँ पर विराजमान है। और आज मातृशक्ति, जैसे के हमारे मेरे भांजे कोतवाल चाड़ साहब प्लेस से, चलाला से और हर गांव से जो लोग आए हुए हैं और कोतवाल जी के नए यहाँ पर बैठे बैठे मुझे समय है। कोतवाल दया कृष्ण जी, आप हमें आज बहुत याद आए। आपकी 16 वर्ष की आयु थी जब प्रजा परिषद का दौर था, चीख पुकार थी हर तरफ और अनर्थ हो रहा हर ओर था। आज मैं आप सबके सम्मुख स्वर्गीय श्री दया कृष्ण कोतवाल जी की जीवनी पर एक सुंदर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोतवाल दया कृष्ण जी, आप हमें आज बहुत याद आए। अपने घर का मोह त्याग कर आपने सब अपने थे बनाए, समाज सेवा में कूदे थे आप, अपना सब कुछ ही भुलाए, हमारा समाज कैसे बचे आपने थे हमें गुण सिखलाए। छोटी सी आयु में ही आप महान देश मर जाए, उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारा समाज घबराए और डर जाए, पर आपका तो मुख्य उद्देश्य था कि हमारा समाज पूर्णतः सुरक्षित हो जाए। और आतंक की धड़कन तब रुकी जब ग्राम सुरक्षा समितियों को आप गांव-गांव ले आए, फिर आपकी दहाड़ सुनकर दुश्मन यहां पे थर्राए। कोतवाल दया कृष्ण जी, आप हमें आज बहुत याद आए। आप जब बहुत बीमार हुए थे, दिल्ली के एम्स अस्पताल में शरीर से भी लाचार हुए थे, पर मस्तिष्क तब भी यहाँ की फिक्र में था। आपने ज्ञान चंद्र भगत जी से फ़ोन पे था ये जिक्र किया कि शायद अब मैं जीवित वापस आ ना पाऊँ और इससे पहले कि मैं आपसे बहुत दूर हो जाऊँ, कि हमारा ज़िला डोडा अब भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, इस बात से हमारा समाज शायद परिचित नहीं है, इसलिए आप सब एक हो जाओ, अपना संगठन मजबूत बनाओ। ये कहकर आप स्वर्ग सिधारे और चमके आकाश में बनकर सितारे। आपने जाते जाते भी एकजुटता के पाठ पढ़ाए। कोतवाल दया
कृष्ण जी, आप हमें आज बहुत याद आए। भारत माता की जय। शक्ति का जज्बा तब हर किसी में पनपा था। आप पे जब मुसीबत थी आई, आपने तब बेजोड़ हिम्मत दिखाई। अपने आप को बचाकर सफेद कपड़ों पे थी गोलियां चलवाई। फिर सरोल बाग में रात बिताकर इरादे और मजबूत बनाए। कोतवाल दया कृष्ण जी, आप हमें आज बहुत याद आए। वह 90 का दशक जब यहाँ पर फैला आतंक था, शहीदों के खून से तब हुआ धरती का लाल रंग था। हर एक व्यक्ति तब यहाँ हुआ बहुत तंग था। सच में कुछ पुण्य कमाए थे हमने कि इतने बुरे दौर में भी मिला आपका संग। आतंक के उस दौर में कई शहीदों के अंग निकाले और कईयों के सिर कटे, पर आपने हमें संभाला ऐसे और हम यहाँ। मुझे मौका मिला दो बातें रखना चाहूंगा। हमने जहां तक अपने बुजुर्गों से सुना है, खासकर मिलिटेंसी की बात करता हूँ, तो हर घर में इनका जिक्र हुआ करता था और कहते थे जब इनका जवानी का समय था उस टाइम के पढ़े लिखे थे। हमने जो वक्त देखा कि उस वक्त में अनपढ़ लोग जो भी नौकरियां करते थे, इनको उस टाइम के जो लीडरशिप थी उन्होंने बार बार इनको बुलाया नौकरी के लिए, मगर इन्होंने इस समाज के लिए अपनी उस जवानी का बलिदान दिया और इस समाज के लिए आखिरी दम तक काम किया। तो मुझे लगता है आज की इस अवसर पर हमें यहाँ से ये प्रेरणा लेके जाना है कि अपने समाज के लिए रात दिन काम करना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज इस डिजिटल इंडिया के अंदर, इस यू के अंदर, हमारा परिवार के अंदर डिग्रियों की होड़ लगी हुई है। हर कोई हमारा परिवार जो अपने बच्चों को तेजी से डिग्रियों के चक्कर में फंसा हुआ है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर मुझे जहाँ तक लगा इस वक्त 50+ में चल रहा हूँ कि हमें इस सोसाइटी के अंदर संस्कार की भी ज़रूरत है। जब तक हम लोगों के अंदर संस्कार नहीं होंगे हम अपने समाज को, अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। आए हुए हमारे साथी और बच्चे, आज बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज युवा भी इस पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। ये शूरवीर उतराना या भद्रवाह के शूरवीर नहीं थे, जो पुराने लोग हैं वो सभी जानते हैं। ये जम्मू कश्मीर यूटी के शूरवीर थे, ना के पुराने जिला के। इन्हीं की वजह से हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं। आज कोई ये बोले कि कोतवाल जी क्या थे क्या नहीं थे, आज बड़ी खुशी ये है कि स्वर्गीय श्री दया किशन कोतवाल जी की पुत्री जो रिटायर होकर आई है, इन्होंने काफी इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की है और आज लोगों में जज्बा है, खासकर हमारी माताएं बहनों में, कि आज इस जोर शोर से इनकी पुण्यतिथि हम यहां पर उदराना में मना रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारा चनाब का खिता, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट अभी बने हुए हैं, सब सुरक्षित है। इन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, कोई बम नहीं चलाया, मगर संघर्ष किया। आज यहां पर कौम के हर एक तबके के लोग हैं और हर एक इलाका से हमारी माताएं बहनें और हमारे साथी यहां पर आए हुए हैं। हमें ये इनकी कुर्बानी भूलनी नहीं चाहिए। कोतवाल दया कृष्ण जी हमारे। कोतवाल दया कृष्ण जी हमारे। भारत माता की जय। आज इस और कार्यक्रम के अध्यक्ष अजेंद्र कोतवाल जी और अन्य संगठनों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण,
अब हमारे बीच में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको उनके बारे में तो पता ही है, लेकिन जैसे नई पीढ़ी की बात की, मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा कि पुराने लोगों के अंदर लोगों को जोड़ने का गुण और कार्य करने का गुण क्या था। जिस समय में उन लोगों ने काम किया उस समय में इतना कठिन था काम करना कि जिस विचार एक मौत के सम्मान था उस समय में कई परिवार जो है तबाह हुए और कई लोग जो है खड़ा नहीं होते थे, लेकिन उन लोगों की बहादुरी कि जिन लोगों ने भी उनके नेतृत्व में काम किया है आज वो लोग जो है आज भी उनको याद करते हैं। जैसे अपने बीच में चिनैनी से राकेश अंथाल जी आए, ये चिनैनी के रहने वाले हैं, लेकिन क्या वजह कि आज वहां से उठकर आज अपने बीच में आए हैं, कुछ ना कुछ वजह जो है रही होगी। जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से काम करने का उन्होंने प्रेरणा समाज को दी, उसी प्रकार से मुझे आज भी याद है कि 2008 का जो चुनाव हुआ उस समय में जो कार्यकर्ता कोतवाल जी के लिए काम करते थे वो कभी कोतवाल जी के पास नहीं आते थे कि हम आपके लिए वोट मांगने के लिए कहीं जा रहे हैं, वो इलेक्शन के बाद पता लगता था। और कार्यकर्ताओं में इतनी निष्ठा थी कि उनको लगता था कि कोतवाल जी खड़े हुए हमको काम करना है और हमको उनको जिताना नहीं है कि हमने आपके लिए काम किया है, बल्कि वो काम करते थे, वो दिखाते नहीं थे। और उन लोगों में एक विशेषता थी कि जब काम करते करते किसी क्षेत्र में चले जाते थे तो पुराने जो कार्यकर्ता होते थे अपना कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो उनका नाम लेते थे कि भाई कोई ओम प्रकाश जी यहाँ रहते थे या कोई दया किशन जी यहाँ रहते थे, मुझे उनसे मिलना है, वो चलकर उनके घर तक जाते थे। ये कुछ चीजें जो हमको सीखने की जरूरत है, ये नहीं कि आज जिस विचारधारा को खड़ा करने में लाखों लोगों के बलिदान हुए, लाखों लोगों के परिवार तबाह हुए, और आज हमको अगर उस परिवारों में से कोई लोग अगर आज इस संगठन में नहीं है तो हमको कम से कम जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं हमारे पास एक सूची होनी चाहिए कि जिस विचारधारा को लेकर आज हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर आज नए युवा जो है फेसबुक में खुलेआम हिंदुत्व की बात कर रहा है उसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है। ये समीकरण, ये वर्तमान का जम्मू कश्मीर और वर्तमान के जो हालात हैं आज पूरे भारतवर्ष में, इसके पीछे कुछ लोग जो नींव के पत्थर हैं उनको याद करने की जरूरत है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो भी समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है वो समाज ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए निस्वार्थ भाव से काम करने की जो प्रेरणा दया किशन कोतवाल जी ने उस समय कार्यकर्ताओं को दी, आज भी वो कार्यकर्ता डगमगाते नहीं है, भले ही उनको कुछ मिले नहीं मिले लेकिन वो विचारधारा के साथ खड़े। तो मैं यही आशा करूंगा कि जो कोतवाल जी ने अपने जीवन में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को उन्होंने पूछा, उनको धराया, उनके साथ खड़े हुए, और आगे इसी तरीके से हम चलें और अपने पूर्वजों को न भूलें, तो आने वाले समय में जिस लक्ष्य को लेकर हमारे बुजुर्ग चले थे ये निश्चय है कि हम उस लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। यही बात समाप्त करूंगा, मैं अपनी वाणी को विराम देऊंगा। जय भारत, जय। धन्यवाद। देखते रहिए जय भारत न्यूज़ नेटवर्क में, पत्रकार इंद्रेश सिंह चौहान। जय श्री राम, जय भारत।